मध्य प्रदेश में पिछले दो साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित शिक्षकों के प्रदर्शन को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन अध्यापकों को बच्चों का भविष्य बनाना है, दुर्भाग्यवश उनको नियुक्ति के लिए आंदोलन और प्रदर्शन करना पड़ रहा है। भोपाल में चयनित शिक्षकों के प्रदर्शन को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ये प्रदेश सरकार के लिए शर्म की बात है। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और शिक्षा मंत्री को कई बार लेटर के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा कि जो शिक्षक चयनित हो चुके हैं, जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है, उन शिक्षकों को नियुक्ति के लिए सरकार से भीख मांगनी पड़ रही है। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से महिला शिक्षक को नियुक्ति के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। उन्होंने भाजपा सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि भाजपा ये कैसा शासन चला रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षकों को 15 अगस्त तक नियुक्ति का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। आम आदमी पार्टी चयनित शिक्षकों की तत्काल नियुक्ति की मांग सरकार से करती है। आम आदमी पार्टी लगातार चयनित शिक्षकों के मामले में शिवराज सिंह चौहान जी, जो प्रदेश के मुखिया हैं, और शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी को पत्र लिखती आ रही। मैंने खुद कई पत्र लिखे हैं शिक्षकों के समर्थन में। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिन शिक्षकों को विद्यालय में जाकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, या कोविड के समय में ऑनलाइन की पढ़ाई भी है तो वो बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं, जिनको बच्चों का भविष्य बनाने का काम करना था, वो लगातार अपनी नियुक्ति को लेकर आंदोलन पे आंदोलन, प्रदर्शन पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये स्थिति क्यों बन रही है लगातार कि परीक्षा होने के बाद उनको वेरिफिकेशन के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, कहीं शिक्षक सिर मुड़ा रहे हैं, कहीं पे शिक्षिकाएं उठक बैठक कर रही हैं, ये बहनें आंदोलन कर रही हैं, तमाम जगहों पे, चाहे वो ग्वालियर वाला बेल्ट रहा हो चुनाव के दौरान का, या भोपाल में आपको चयनित शिक्षक आंदोलन करते हुए देख सकते हैं, देखे जा सकते हैं। तो जब वेरिफिकेशन भी हो गया, वेरिफिकेशन के बाद अभी इंदर सिंह परमार जी से कुछ चयनित शिक्षक मिलने गए, उस दौरान एक महिला उनके पैरों में गिरकर अपनी नियुक्ति की भीख मांग रही। ये दुर्भाग्य की बात है, प्रदेश सरकार के लिए शर्म की बात है कि जो परीक्षा पास कर चुके हैं, जो हर तरीके से पात्र हैं, उनको अपनी नियुक्ति के लिए भीख मांगना पड़ रहा है। ये कैसा शासन आप चला रहे हैं? LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।